हेलो एवरीवन, जब हमने मुस्लिम लॉ के अंदर हिबा के टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई थी तो हमने उसमें ये बोला था कि हिबा का जो टॉपिक है मुस्लिम लॉ के अंदर ये बहुत बड़ा है, इसको एक बार में कवर नहीं किया जा सकता है, यानी एक वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमने कई पार्ट में वीडियोज़ बनाई हैं। तो इसका हमने पार्ट वन बनाया है, पार्ट टू बनाया है, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, तो इसके लिए अब हम पार्ट थ्री बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हिबा के अंदर हैं जो हम इस पार्ट थ्री में कवर करेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी, जिसके लिए अगर ज़रूरत हम समझेंगे तो हम पार्ट फोर बना देंगे या उसको किसी दूसरे टॉपिक में ही कवर कर देंगे। तो आज के टॉपिक में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे हिबा से रिलेटेड। जैसे एक थी रिवोकेशन ऑफ हिबा, यानी एक बार मुस्लिम लॉ के अंदर अगर हिबा कर दी गई है, गिफ्ट दे दिया गया है, तो उसको कैसे कैंसिल किया जा सकता है, उसका कैंसिल होने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर। तो रिवोकेशन ऑफ हिबा कवर करेंगे और कितने तरीके की हिबा होती हैं, जैसे एक हिबा होती है हिबा बिल इवाज और एक होती है हिबा व शरबतुल इवाज, तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवोकेशन ऑफ हिबा के बारे में। रिवोकेशन मतलब कि हिबा को कैंसिल कर देना। हिबा को कैंसिल कर देने का जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो प्रोसीजर है, वो इसको दो पार्ट में डिस्कस किया जा सकता है। एक है बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन और एक है आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन। जैसा हमने हिबा के टॉपिक में बताया था कि तीन सबसे बुनियादी बातें हैं मुस्लिम लॉ के अंदर हिबा की, अगर ये तीनों बातें पूरी हो जाती हैं तो हिबा मुस्लिम लॉ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। वो कौन कौन सी थी? एक था डिक्लेरेशन, यानी जो व्यक्ति जो है डोनर जो है जो हिबा दे रहा है दान करता जो है दान देने के लिए एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं हिबा दे रहा हूँ, डिक्लेरेशन। दूसरा है एक्सेप्टेंस, जिसको दे रहा है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी कब्जे का ट्रांसफर होना, कब्जे का अंतरण होना। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये फंडामेंटल हैं मुस्लिम लॉ के अंदर हिबा के अंदर। तो ये तीनों पूरी होने पे हिबा कंप्लीट हो जाती है। तो अब जब हम बात करेंगे कि रिवोकेशन ऑफ हिबा को, कि हिबा को कब कैंसिल किया जा सकता है, तो इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे कि एक बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन और एक आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन। बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन यानी अगर कब्जा नहीं ट्रांसफर हुआ है, यानी व्यक्ति ने डिक्लेयर कर दिया है, हिबा करने का डिक्लेरेशन दे दिया है, दूसरे व्यक्ति जो डोनी है उसने एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट भी कर लिया है, पर डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुआ। अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब हिबा कंप्लीट ही नहीं हुई है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स तो तीन है कि उसमें थर्ड जो है डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी है। तो अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुआ है, भले ही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो चुका है, डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस हो चुका है, तो इसका मतलब गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो जब गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं हुई है तो जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, हिबा कर रहा है, वो जब चाहे उसको कैंसिल कर सकता है, जब चाहे उसको रिवोक कर सकता है। तो इसका मतलब कि अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुई है तो डोनर जो है उसको कभी भी चाहे रिवोक कर सकता है। तो ये हो गए बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन। आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन, अगर आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन वो रिवोक करना चाहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ध्यान में ये रखना है कि गिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। जब गिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरा व्यक्ति जो है उसका ओनर बन जाएगा। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसका ओनर बन जाएगा तो फिर आप उसके ओनरशिप से इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? जब तीनों शर्तें पूरी हो चुकी कि आपने डिक्लेरेशन दिया, उसने एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्ट किया, उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गई, तो अब गिफ्ट कैंसिल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गिफ्ट जो है वो पूरे तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है गिफ्ट की। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके से गिफ्ट जो है रिवोक हो सकती है। एक ये कि कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करे, यानी न्यायालय उसके अंदर हस्तक्षेप करे, यानी न्यायालय जो है उसके अंदर देखे कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ फ्रॉड हुआ है, जो भी चीज़ न्यायालय को समझ में आता है न्यायालय उन ग्राउंड को लेके उसको रिवोक कर सकता है। या तो न्यायालय के इंटरफेरेंस से होगी रिवोक हो सकती है, या तो डोनी जो है जिसको हिबा किया गया है वो अपनी कंसेंट दे दे, तब हिबा रिवोक हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें ना तो न्यायालय भी अगर इंटरफेयर कर देगी तो भी हिबा रिवोक नहीं हो सकती है, यानी न्यायालय के इंटरफेरेंस के बाद भी हिबा रिवोक नहीं हो सकती है, और भले ही डोनी कंसेंट दे दे तब भी रिवोक नहीं हो सकती है। वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियां हैं जिसमें वेयर इट इज़ मेड बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ और वाइस वर्सा, जहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहा हो या वाइफ जो है हस्बैंड को दे रही हो, इन केसेस में जो है कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी अगर कंप्लीट हिबा है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो चुका है, तो उसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकती है। वेयर द डोनर एंड डोनी आर रिलेटेड टू वन अनदर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, वेयर द डोनर और डोनी डाइज,
डोना या डोने में कोई मर जाता है, वेयर द थिंग गिवन इज डिस्ट्रॉयड, जो चीज़ आपने हिबा में दी हुई है वही तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या जो चीज़ आपने हिबा में किसी को दी हुई है, हिबा में दिया है किसी को, कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर कोई उसकी वैल्यू बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, उस केस में आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वेयर द थिंग हैज़ बीन गिवन इंक्रीज इन वैल्यू, वेयर द थिंग इज गिवन सो चेंज दैट इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यानी जो चीज़ हिबा में दिया उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे आपने किसी को गेहूं दिया, उसने गेहूं को पिसवा के आटा बना लिया, आटे की रोटी बना लिया, तो अब उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। वेयर द डोनर हैज़ रिसीव्ड अ रिटर्न इवाज फॉर द गिफ्ट, जहाँ पे डोनर ने इवाज रिसीव कर लिया, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हिबा बिल इवाज के अंदर इस चीज़ को कवर करेंगे। जहाँ पे हिबा का जो मोटिव है, यानी जो हिबा दी जा रही है वो एक रिलीजियस पर्पस पे दी जा रही है, धार्मिक वजह से दी जा रही है। अब हम लोग हिबा बिल इवाज के बारे में समझ लेते हैं। हिबा बिल इवाज, हिबा तो जैसे हम लोग जानते हैं ये गिफ्ट होती है, इवाज का मतलब होता है रिटर्न, वो गिफ्ट जिसके अंदर कुछ रिटर्न हो, वो गिफ्ट जिसके अंदर कोई रिटर्न हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको गिफ्ट में कोई चीज़ दिया, गिफ्ट में मैंने आपको कोई चीज़ दिया, उसको लेने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया, आपने अपनी खुशी से, आपको इतना अच्छा लगा मैंने वो आपको गिफ्ट दिया, आपने अपनी मर्जी से मुझे कोई चीज़ रिटर्न में दे दिया, तो जो आपने मुझे रिटर्न में दे दिया, तो जो मेरी वाली गिफ्ट है, अगर मैंने आपकी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो मैंने आपको गिफ्ट दिया हुआ था पहले तो वो एकदम प्योरली हिबा था, लेकिन अब जब मैंने आपकी दी हुई चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा हिबा बिल इवाज, यानी गिफ्ट इन रिटर्न। अब आप समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कार आपको दिया, मैंने अपनी कार आपको दिया, सपोज डैट कि मेरे कार जो है उसकी कीमत 12 लाख रुपए है, आपको इतना अच्छा लगा देख के कि आपकी वो पसंदीदा कार थी और मैंने आपको वो कार दे दी, आप इतना खुश हुए कि आपने उसी खुशी में मुझे गिफ्ट में आपकी कोई 300-400 गज ज़मीन थी वो आपने हमें दे दिया। आपकी ज़मीन की कीमत हो सकती है 6 लाख रुपए हो, यह हो सकता है 3 लाख रुपए हो, तो यहाँ पे आप जो हमें रिटर्न में दे रहे हैं वो कितनी वैल्यू की है ये मटेरियल नहीं है, अगर कुछ वैल्यू की है तो ये सफिशियंट है, तो अब हम इसको सेल नहीं कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो हमारा जो रूल है इंडिया के अंदर, हिबा बिल इवाज का जो लीगल असर पड़ता है, कानूनी जो चीज़ है, इसकी पहचान है, वो या तो सेल की है या तो एक्सचेंज की है। यानी अगर मैंने आपको गिफ्ट में कोई चीज़ दिया, बदले में आपने मुझे कुछ पैसा दे दिया, तो अब पैसा आपने कितना दिया, कितना कम दिया, कितना ज़्यादा दिया, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन ये सेल बन जाएगी और ये सेक्शन 54 TPA से गवर्न होगी। अब मान लीजिए कि मैंने आपको कोई चीज़ दिया एज अ हिबा के तौर पे, आपने मुझे रिटर्न में कोई और चीज़ दे दिया, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये एक्सचेंज बन जाएगा, ये भी TPA से गवर्न होगा, सेक्शन 118 से ये भी TPA से गवर्न होगा। तो ये भी TPA से गवर्न होगा, अगर आप कोई चीज़ हमें रिटर्न में दे देते हैं तो ये एक्सचेंज से गवर्न होगा सेक्शन 118, अगर आप कुछ पैसा दे देते हैं हमें तो ये गवर्न होगा सेक्शन 54 से TPA से। तो यानी ये जो है इसका जो लीगल इंसिडेंट होता है या तो सेक्शन 54 से गवर्न होता है या तो सेक्शन 118 से, तो इसको हम लोग प्योर फॉर्म में हिबा नहीं कर सकते। ये प्योर फॉर्म में हिबा तब होगी कि मान लीजिए जैसे मैंने अपनी कार आपको दिया एज अ गिफ्ट, तो अभी यहाँ पे जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो हिबा का कानून है कि डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजीशन, अभी यहाँ पे ये वाला कानून लागू होगा, यानी जो मुस्लिम लॉ में हमने हिबा के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने, वो वाला कानून लागू होगा। लेकिन जहाँ आपने रिटर्न में कोई चीज़ हमें दे दिया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जो मेरी दी हुई गिफ्ट थी आपको, अब ये हिबा बिल इवाज बन जाएगा, तो या तो सेल से गवर्न होगा या तो एक्सचेंज से गवर्न होगा। तो हमें लगता है कि हिबा बिल इवाज आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर वैल्यू जो है ये ज़्यादा मैटर नहीं करती है, हमने आपको ज़मीन दिया, आपको हो सकता है जो ज़मीन हमने दिया वो 20 लाख की हो, आपने उठा के हमें कार दे दिया, अब आपकी कार जो हो सकता है 5 लाख की हो, 2 लाख की हो, यहाँ तक कि मुस्लिम लॉ के अंदर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुरान भी दे सकता है। मुस्लिम लॉ के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसको एक आप कुरान भी दे सकते हैं, एक तस्वीर दे सकते हैं, या जो जनमाज होती है नमाज पढ़ने के लिए आप वो भी दे सकते हैं, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। कि मतलब इससे पता चलता है कि वैल्यू जो है ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो हिबा बिल इवाज, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसका लीगल इंसिडेंट या तो सेल से गवर्न होता है या तो एक्सचेंज से, तो ये हिबा बिल इवाज होगी। अब हिबा बा शरबतुल इवाज दूसरी हिबा है, उसको कहते हैं हिबा बा शरबतुल इवाज। अब इसके अंदर जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, हिबा बा शरबतुल इवाज, यानी हिबा है लेकिन उसके अंदर कोई शर्त है।
इस हिबा के अंदर जो होता है शर्त रख दी जाती है, पार्टी एग्री हो जाते हैं, शर्त रख दी जाता है कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, बदले में आप ये चीज़ मुझे देंगे। ये चीज़ होती है हिबा बा शरबतुल इवाज। तो हिबा बिल इवाज और हिबा बा शरबतुल इवाज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हिबा बिल इवाज के अंदर कोई किसी की इंटेंशन नहीं होती है रिटर्न में देने की। यानी हिबा बिल इवाज को समझिएगा, मैंने आपको कोई चीज़ दिया कार में, आप खुशी से इतना एक्साइटेड हो गए कि आपने मुझे अपनी खुशी से अपनी मर्जी से कोई चीज़ रिटर्न में दे दिया, ये हिबा बिल इवाज हो गया। लेकिन हिबा बा शरबतुल इवाज के अंदर क्या होता है कि पहले ही कंडीशन स्टिपुलेट कर दी जाती है, यानी पहले ही कंडीशन रख दी जाती है कि आप मुझे रिटर्न में ये देंगे। अब मान लीजिए कि जो उसके अंदर जो कंडीशन स्टिपुलेट करी गई है, अगर मान लीजिए वो अनलॉफुल है, तो जो हिबा हम कर रहे हैं वो भी अनलॉफुल हो जाएगी, क्योंकि शर्त से जुड़ी होती है हिबा हिबा व शरबतुल इवाज। और एक बार ये गिफ्ट जो है कंप्लीट हो गई, डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। तो ये हम लोगों का हिबा बिल इवाज और हिबा बा शरबतुल इवाज जो है कंप्लीट हो गया। इसको जो है पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, या इनके ऊपर एक शॉर्ट राइटिंग में आंसर लिखने को पूछ लेता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ लिखने को और है नहीं।